सितारे, मेरे नबी से मेरे नबी की बीवी क्या बोली, आका इस आसमान में कितने सितारे, मेरे नबी बोले बेशुमार, इतने सितारे हैं बेशुमार। कहने लगी आका आपके गुलामों में कोई ऐसा गुलाम है जिसकी नेकियां इन सितारों के बराबर? क्या बात चल रही है यार। और आज अगर एक रात मिल जाए इस बीवी को, तो रात को सोया था बड़ा नरम था, लेटा था, और रात भर जब इसने कान पे मुड़ा और जब करना शुरू किया, खुशकारी छोड़ना शुरू करिए, सुबह को टेढ़ा निकल गया था, टेढ़ा अम्मा की तरह, भैया की तरह, बहन से नहीं, पता नहीं क्या हो। एक रात अगर मौका मिल भी जाए ना, अच्छा बात सही नहीं होगा, लग रहा है आपका जरवाज हो गया, बोल नहीं रही। ये मेरे साथी हैं बमाना तकरीर के स्टाफ वाले, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को क्या इन्हीं के कांधे पर रख के बंदूक छोड़ो जो जिससे मोहब्बत कर, और इसलिए बोल नहीं रहे थे, अगर मैं बोल गया तो सैयद आप मुझे लपेट लग गया, छोड़ा दे मैंने, अल्लाह आपको जजा खैर। ये मोहब्बत की बात, हजरत आयशा कहने लगी, क्या कहने लगी, कहने लगी आका आसमान के सितारों की बराबर किसी की नेकियां है? मेरे नबी बोले हाँ है तो कौन है? वो मेरा उमर है, उमर। अब बेटी तो वो अबू बकर की थी, नाम हजरत उमर का आ रहा, इशारे समझ रहे हो जी? अब दिल में ही हो रहा है मेरे अब्बा का नाम नहीं आया, मेरे अब्बा जान अबू बकर का नाम नहीं आया, बेटी है चढ़ी थी लड़ाई लड़ाई थी प्यारी बेटी, हजरत उमर का जब नाम आया, हजरत आयशा कहने लगी आका आपके गुलामों में कोई ऐसा भी है जिसकी छोटी छोटी बच्ची, देखो जैसा दौर होता वैसे खेल कूद होते, पहले बच्चों का खेल था ये, तुम जितने बुजुर्ग हो तुम खेत में जाकर के कबड्डी खेलते हो गए, डिडुआ खेलते हो गए, पहलवानी कर, ये सब ताकत के खेल थे, अब आंखें फोड़ने के खेल है, दिमाग बर्बाद करने खेल, मोबाइल में ये मारा पबजी